एक तरफ तो जहां रमन जी हमने देखा सरकार और माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिस तरह से संवेदनशील रहे, बिल्कुल निष्क्रिय रहे मणिपुर के मुद्दे पे, उसी तरह से ये भी स्थापित हो गया था, ये भी समझ में आ गया था कि रूलिंग पार्टी की इस बार बिल्कुल मंशा नहीं है कि पार्लियामेंट चले। खुद ही चाह रहे थे, ऐसा दिख रहा था कि वॉश आउट हो जाता है कोई ना कोई बहाने, क्योंकि मणिपुर पे उनको कुछ कहने को अब रह नहीं गया, कोई जवाब नहीं था। कि 3 महीने से ज़्यादा हो गए, इतनी बड़ी हिंसा, कुछ हद तक कुछ लोग कहते हैं नरसंहार, और जिस तरह से हमारी महिलाओं के साथ, हमारी माँ बहनों के साथ जिस तरह से ज्यादती हुई, जब उनका वीडियो बाहर आया उसके बाद कुछ खाना पूर्ति करने की कोशिश की गई सरकार की तरफ से, और वो भी दिखावे के लिए ऐसा दिखा। अब उसके बाद जब चारों तरफ घेरेबंदी में आ गई सरकार, और हमारे मित्र और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो फिर ये जाहिर हो गया कि अब कुछ नहीं, फंस गए और वो चलने नहीं देने, तो किसी न किसी बहाने से विपक्ष के वर्ग ठोकते हुए, जबकि दुनिया को पता है इस बात का कि सरकार चलाना सदन की जिम्मेदारी, और सदन के बहुत बड़े नेता हमारे मित्र स्वर्गीय अरुण जेटली और स्वर्गीय सुषमा स्वराज, वो खुद कह चुके हैं सदन के पटल पर कि विपक्ष का तो दायित्व है, जिम्मेदारी है, ये उनका अधिकार है वेल में आना या फिर प्रोटेस्ट करना पार्लियामेंट के अंदर। उनके प्रोटेस्ट का बहाना लेते हुए जिस तरह से सरकार ने एक खेल किया कि बीच में ये भी हमें लगता है कि ये गैर जिम्मेदाराना, गैर संवैधानिक एक बिल ले आए, दिल्ली वाला बिल, ताकि लोगों में ये खबर जा सके कि हमारा, हम पहली बाजी जीत गए। ये बाजी जीतना नहीं, ये कोर्ट के अदालत की, हमें तो दिखता है कि शायद कुछ हद तक अवमानना हो, कोर्ट के डिसीशन के बाद ये बिल लाया गया। उसके बाद दूसरा बिल देखिए, आपने खुद देखिए किस तरह से जब सदन पे आखिरी दिनों में 8, 9, 10 को जो खबर आई कि चर्चा होगी अविश्वास प्रस्ताव, और वो आप दिखा रहे हैं कि हम एक दिल्ली बिल जीत गए यहाँ पे, और उसके बाद अब हम वो भी बिल जीतेंगे। अरे बिल तो आप जीतेंगे, बात ये जीत हार की नहीं हो रही है, बात आपकी जिम्मेदारियों की हो रही है, बात हो रही है कि आपको एक्सपोज करने की, यानी आप क्यों चुप रहे, बहुत सारी बात। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।